आज से ठीक 20 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लपुरम में द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने को लेकर जो सहमति बनी थी वह अब हवा होती दिख रही है। चीन फिर से अपने उसी रंग में आ गया है जिसके लिए वह दुनिया भर में जाना जाता रहा है, यानी यह देश कभी भी अपनी नीतियों को छोड़ने वाला नहीं है। खासतौर से एशिया के इस हिस्से में भारत को वरीयता देना उसके एजेंडे में तो बिल्कुल नहीं है। बेशक भारत के नेता उसे बंगाली रसगुल्ले खिलाए या फिर बरेली की बर्फियां, कश्मीर को लेकर चीन द्वारा दिया गया ताजा बयान अभी भी भारत की जनता को सतर्क करता है, क्योंकि WTO के नियमों में बंधा देश उसे आईना दिखाने की ताकत में शून्य साबित हुआ है। चीन ने पलटीमार अंदाज में कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि चीन को ऐसा कहने के लिए भारत ने ही मौका दिया है। यदि भारत के विदेश मंत्री अगस्त महीने में अपनी यात्रा का सही सदुपयोग करते तो आज चीन द्वारा मुंह नहीं फाड़ा जाता। यह वही समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हांगकांग के मसले पर चीन की घेराबंदी कर रहे थे, जबकि अपने पड़ोस में मची उठापटक पर भारत आंखें मूंद कर बैठ गया था। यदि भारत हांगकांग पर एक सीमित बयान भी जारी कर देता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह चीन को बहुत भारी पड़ सकता था, लेकिन भारत इसी चीन के सामने रक्षात्मक भूमिका में रहा है, जबकि हजारों मील दूर बैठे तुर्की पर बयान देने में तनिक भी विलंब नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार अभी भी हांगकांग और उइगरों के मुद्दे पर बोलने से हिचकिचा रहे हैं। वे एक तरफ कहते हैं कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता, जबकि तुर्क और कुर्द का मसला भी कहीं ना कहीं उनकी आंतरिक समस्या है। फिर हांगकांग क्या है, उइगरों का चर्चित मुद्दा क्या है? जब किसी के घर में अशांति होती है तो एक जिम्मेदार पड़ोसी शांति की आशा करता है, पर चीन के मामले में भारत कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार है। वर्ष 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत चीन ने अक्साई चीन नामक हिस्से को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ है। इस हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को सौंपा था। खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाए जा रहे सीपैक पर भारत ने आज तक कड़ी प्रतिक्रिया तक नहीं दी है, बल्कि ले देकर शांतिपूर्ण समाधान करने का वर्ष 2005 का बखान बाकी रह गया है। इसका मतलब यह है कि भारत शांति का अग्रदूत बनकर हवा में उड़ रहा है और चीन उसके पैर पकड़कर नीचे खींच रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच अभी भी अमरीका एक झोल है। चीन को भारत और अमरीका की नजदीकियां नागवार गुजर रही है। चीन के द्वारा कश्मीर पर बयान तब आया जब दो दिन पहले ही नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत कैन जस्टर ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की यात्रा की। इस क्षेत्र को लेकर चीन हमेशा काफी संवेदनशील रहता है। वह दावा करता है कि यह उसका हिस्सा है, पर चीन को करारी चपत उस वक्त पड़ी जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया कि वह भारत की संप्रभुता का पूरी तरह आदर करता है। पर सवाल यह है कि जब चीन अरुणाचल और लद्दाख को लेकर संवेदनशीलता की लुंगी बातें घूम रहा है तो भारत की जनता में भी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता मौजूद होगी। देश WTO के नियमों में अटका पड़ा है, पर जनता पर किसी भी उत्पाद को खरीदने के नियम लागू नहीं होते। कमाल का घटनाक्रम यह है कि सोलवेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया 21 अक्टूबर को अपने सदस्यों से मलेशिया से पाम ऑयल नहीं खरीदने का निर्देश जारी करती है। तो फिर ऐसे ही निर्देश चीनी उत्पादों पर क्यों लागू नहीं होते? क्या इसका मतलब यह है कि चीन से होने वाला व्यापार देश के सम्मान से ज्यादा ऊपर हो चुका है? भारत की जनता जापान को अपने करीबी मित्रों में शुमार करती है, पर उनसे देशभक्ति की सीख लेने का गुण अभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है। आज भी कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके निर्माण की जांच नहीं होती है। इस मुल्क में आज भी ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जिन्हें चीन अपने देश के मुकाबले काफी प्रिय है। ये लोग भी देश की नीतियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास देशभक्ति का ठेका नहीं है। उस सब के लिए हम और आप हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।